हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आइस के यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी 2024 जो यूथ पब्लिकेशन के तरफ से बुक आता है उसके हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस चैनल पे काफ़ी दिनों से छोई मैम का क्लास नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा छोई मैम जो है वह कुछ पेड कोर्सेज पे काम कर रही है, जो एनसीईआरटी का क्वीज है उस पर काम कर रही है, जो आपको टेलीग्राम में जो क्वीज कराया जाएगा उस पर। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, जल्दी मैम का क्लास होगा, तब तक आप लोग एक क्लास देखिए और धीरे धीरे क्लासेज अब रिकॉर्डेड फॉर्म में आते रहेगा। जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उसका वीडियोज आते रहेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट तो भी इससे काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो छोई मैम से बात करना चाहते हैं तो उनके इंस्टा आईडी पे आप फॉलो कर सकते हैं छोई मैम पे, और आप एग्जाम की आइस क्यूब के जो इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारे अपडेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एग्जाम आइस क्यूब टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, देखिए ये बुक है यूथ पब्लिकेशन की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इससे बेस्ट बुक एसएससी के लिए एसएससी के लिए आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, इसलिए इसका वीडियो हम बना रहे हैं और आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 1 है और बहुत जल्दी हम लोग धीरे धीरे करके पूरे बुक को हम लोग समाप्त कर देंगे। जो एसएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस जीडी जेई दिल्ली पुलिस, ठीक है, और जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 8287277311 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपके हेल्प के मतलब आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ही दिया गया है। आपको पता है आरआरबी का भी यहाँ पे वैकेंसी आ चुका है, आरआरबी का ही एग्जाम होने वाला है, तो आरआरबी के लिए भी यूथ पब्लिकेशन का बहुत बेस्ट बुक आता है जिसमें साइंस का अलग और जीके का अलग बुक आता है। तो ये दोनों बुक का भी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे चल के हम रीजनिंग और मैथ को भी इंक्लूड करेंगे इस सीरीज में। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे बुक देख सकते हैं, ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर यहाँ पे भारत का भूगोल। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें तो पूरा इंडेक्स दिया हुआ है चैप्टर का और यहाँ पे आपको ज्योग्राफी भूगोल देखने को मिलेगा, लेकिन भूगोल में इसमें पहले विश्व का भूगोल दिया हुआ है तो उसको हम लोग स्किप किए और आगे आए यहाँ पे भारत के भूगोल में चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे और भारत की स्थिति एवं क्षेत्रफल, भारत के सीमावर्ती, इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। अप्रोक्स 38 एमसीक्यू दिया हुआ है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स के नीचे थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा इंडेक्स दिया हुआ है। चलिए आप यहाँ पे देख लीजिए भारत का भूगोल और भारत की भौगोलिक स्थिति ये चैप्टर नंबर 1 और भारत की स्थिति एवं क्षेत्रफल यहाँ से दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको हम कर लेते हैं जूम ताकि आपको अच्छा से सब चीजें दिखाई दे। ठीक है, बोला है कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी 23.5 डिग्री उत्तर में जो कर्क रेखा है भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन में जो दिया हुआ है पंजाब छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और केरल, इसमें से किससे होकर कर्क रेखा भारत के जो है वो गुजरती है। तो आपको पता है भारत जो कर्क रेखा है भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें यहाँ पे पंजाब नहीं होगा, ओके, महाराष्ट्र नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, केरल नहीं होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ होगा और ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा जो है यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में, अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो ये हमारा जो है वह क्या है, यह जो है हमारा ग्लोब पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच जो यहाँ पे रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, यानी अगर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो नीचे 23.5 डिग्री पे जो एक रेखा और फिर इसी के समानांतर ऊपर 23.5 डिग्री पे एक रेखा गुजरती है, ऊपर जो 23.5 डिग्री पे रेखा गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा और नीचे जो 23.5 डिग्री पे रेखा गुजरती है उसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये जो कर्क रेखा या लगभग भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, लगभग में हम बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर होकर गुजरती है और उत्तरी गोलार्ध में जो भारत है उत्तर और भारत का थोड़ा सा उत्तर में थोड़ा सा होकर गुजरती है, तो यह गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, और यह कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा, याद रखिएगा यह एक काल्पनिक रेखा है जो कहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई, हम भी यहाँ पे कहाँ से ऐसे खींचे यानी पश्चिम से पूर्व की ओर हमने इस लाइन को ड्रॉ किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं,
कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है नहीं गुजरती, यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर वन जो है वह 17/3/2023 का एग्जाम हुआ था, शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे उड़ीसा से, उड़ीसा से गुजरती है क्या? नहीं। यहाँ पे झारखंड से बिल्कुल गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे मिजोरम से गुजरती है, जी बिल्कुल गुजरती है। राजस्थान से भी गुजरती है, लेकिन ओडिशा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर बाकी इसका डिटेल हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत जो है वह किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? काफी ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, या एसएससी रेलवे जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं अप्रोक्स सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिटेल, ठीक है। यहाँ पे देखिए एमटीएस में और जेई इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। कितने पड़ोसी देशों के साथ? 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसकी कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है, जिनमें से बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत 5 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई निम्नवत है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें स्थलीय सीमा में, तो स्थलीय सीमा में सबसे अधिक भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जो 4,096.7 किलोमीटर का है। ये डाटा आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। 4,096.7 किलोमीटर। चीन के साथ कितना साझा करता है? 3,488.88 किलोमीटर भारत साझा करता है चाइना के साथ। चाइना के साथ कितना साझा करता है? 3,488। पाकिस्तान के साथ तीसरे नंबर पे है, जो 3,323 किलोमीटर है। वहीं नेपाल जो है वो नेपाल 1,751 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है यहाँ पे भारत, ठीक है। तो सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर, उसके बाद चीन 3,488, फिर आता है पाकिस्तान 3,323। इंपॉर्टेंट है ये तीन, जरूर से जरूर इसका डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, एल ए सी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, भारत और डैश के बीच एक प्रभावी सीमा है। भारत और किस रेखा, अभी काफी चर्चा में था एलएसी, तो हमेशा ही चर्चा में रहता है, और यह भारत और चीन के बीच यह स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप दो चीज को लेकर कंफ्यूज होगा, एक होता है एलओसी, ठीक है, एक है एलएसी। तो जो एलओसी है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और एलएसी होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो एलओसी जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, लेकिन वहीं एलएसी है इंडिया और चाइना के बीच स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए जो है वह जम्मू कश्मीर की तरफ है, जो हम लोगों का, ठीक है, जो पीओके वाला एरिया है उससे बॉर्डर शेयर करता है, और एलएसी जो है वह लद्दाख का जो पेंगोंग लेक जो है वो उसके आसपास का जो एरिया उससे बॉर्डर शेयर करता है, अक्साई चीन वाला एरिया में एलएसी। वास्तविक नियंत्रण रेखा एक प्रकार की सीमांकन रेखा जो भारतीय नियंत्रण क्षेत्र और चीनी नियंत्रण क्षेत्र के एक दूसरे को अलग करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं पांच नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को साझा, द्वाबा और मालवा छात क्षेत्रों में बांटा गया है? किस भारतीय राज्य को माझा, द्वाबा और मालवा के क्षेत्र में बांटा गया है? वह है पंजाब। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब राज्य तीन प्रमुख क्षेत्रों माझा, मालवा और द्वाबा में विभाजित है। पंजाब का यह विभाजन मूल रूप से पंजाब की भूमि से बहने वाली सतलज, ब्यास नदियों के कारण है। ये जो विभाजन किया गया पंजाब का, सतलज और ब्यास नदियों के कारण किया गया है। ऐतिहासिक काल में नदियों को पार करना आसान नहीं था, इसलिए नदियों द्वारा विभाजित क्षेत्रों को अलग क्षेत्र माना था। माझा क्षेत्र मुख्य रूप से ब्यास और रावी नदियों के बीच स्थित है, ठीक है। माझा क्षेत्र ब्यास और रावी नदियों के बीच के क्षेत्र को कवर करता है। सतलज नदी के बाएं किनारे की ओर पंजाब के क्षेत्र को मालवा कहा जाता था। सतलज के बाएं को क्या कहा जाता था? मालवा कहा जाता था। वहीं पंजाब राज्य का लगभग 60-70% क्षेत्र इस क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। यानी जो मालवा क्षेत्र का जो हिस्सा है वह कितना, 60-70% जो पंजाब का हिस्सा है वह मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सतलज और ब्यास नदियों के बीच के क्षेत्र को दुआब कहा जाता है। इस क्षेत्र को बिष्ट दुआब या जालंधर दुआब भी कहा जाता है। तो तीन क्षेत्र में बांटा गया है, जो नदियों के हिसाब से बांटा गया है। अगर हम लोग बात करें वहीं ब्यास और रावी नदियों के बारे में, यहाँ भी होगा, भी फॉर ब्यास,
तो ब्यास और रावी नदियों के बीच के जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माझा बोलते हैं, ठीक है। और सतलज के बाईं ओर जो सतलज की बाईं ओर की नदियां है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मालवा बोलते हैं, जो लगभग इसका 60 से 70% हिस्सा पंजाब का आता है। और उसके बाद हम लोग सतलज और ब्यास नदियों के बीच के जो है उसको दोआब बोलते हैं, जिसको हम लोग जालंधर दोआब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या इसको बीस्ट दोआब के भी नाम से जानते हैं, जो कहाँ स्थित है, जो पंजाब का ही क्षेत्र है। तो पंजाब टोटल 3 भागों में विभाजित है। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एसएससी जेईई सिविल 29/10/2022 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध। अब यहाँ पे थोड़ा सा पूर्वी गोलार्ध क्या है कंफ्यूजन, हम लोग आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जो है वह अक्षांश के हिसाब से तो ये जो है ये अक्षांशीय रेखा ऐसे होता है, तो यह इसके ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और इसके नीचे दक्षिण हो जाएगा। तो भारत यहाँ पे स्थित है, तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में आ गया। वहीं अगर हम लोग देशांतरीय रेखा जो होता है ऊपर से ऐसे आता है, ठीक है, तो देशांतरीय रेखा जो है तो इसमें भी क्या होगा, ऊपर उत्तर होगा और नीचे दक्षिण होगा, और इधर क्या होगा, पूरब होगा और इस साइड में पश्चिम होगा। तो अगर देशांतर के हिसाब से भारत क्या हुआ, यह पूरब में स्थित है, यानी अगर ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज कीजिएगा, सब चीज आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। ध्यातव्य है कि 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में और 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में जो है वह करती है। जैसे ए जो हो गया, ए लाइन हमने ड्रॉ किया था, ए वाला लाइन या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ए वाला लाइन जो हमने ड्रॉ किया था यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है, यानी जो नई डिग्री का अक्षांश है उसके 1 डिग्री के अंदर में इनमें से किसका जो है वह अक्षांश आता है, ये आपको बताना है। तो हम लोग इधर देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का, ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो है वह कौन सा, एवरेस्ट पर्वत, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो एवरेस्ट पर्वत है वह नई दिल्ली के, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नई दिल्ली के जो एवरेस्ट पर्वत है वह नई दिल्ली के 1 डिग्री अक्षांश के भीतर आता है। ये एसएससी सीपीओ एसआई का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है, ठीक है, और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है, तो यह एवरेस्ट पर्वत का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका डिटेल हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ढाका शहर में जो है वह 23.8103 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है। इस्लामाबाद 33.6844 डिग्री नॉर्थ में है। एवरेस्ट पर्वत 27.9881 डिग्री नॉर्थ में है, और नई दिल्ली 28.7041 डिग्री नॉर्थ में है, और अमरनाथ की गुमा 34.2157 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 28 है नई दिल्ली और एवरेस्ट 27 है, तो 1 डिग्री नॉर्थ का यहाँ पे बात किया जा रहा है। उपयुक्त के आधार पर स्पष्ट है कि नई दिल्ली की अक्षांशीय अवस्थिति और एवरेस्ट की अक्षांशीय अवस्थिति में एप्रोक्स 1 डिग्री का अंतर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत का पश्चिमी बिंदु का नाम आपको बताना है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हम भारत का मैप अच्छा से बना के आपको बता देते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भारत का मैप है, ठीक है, ठीक है, तो ये भारत का मैप है, ओके। अगर आप देखेंगे तो ये भारत का मैप है, तो आप यहाँ पे पश्चिमी बिंदु, ए हो गया उत्तरी बिंदु, ठीक है, और ये हो गया दक्षिणी बिंदु, ए हो गया पूर्वी बिंदु, ठीक है, और ए हो गया पश्चिमी बिंदु। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है यहाँ पे, इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है गौरमोता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गौरमोता इसका नाम है, गौरमाथा के नाम से भी जानते हैं। और जो उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे ऊपर वाला उत्तरी बिंदु है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसको हम लोग इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं, आई कौल हमने लिख देते हैं, इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ पे दक्षिणी बिंदु है, जो स्थलीय भूमि का दक्षिणी बिंदु है, उसको हम लोग केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं,
केप कोमोरिनी के नाम से जानते हैं। यह कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन वहीं अगर हम जो है वो एग्जैक्ट जो हम लोग का दक्षिण में जो भाग स्थित है वह कहाँ स्थित है, ये यहाँ पे स्थित है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है, और इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और वहीं पश्चिम में जो स्थित है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गौरी गौर माता बोलते हैं, गौरी माता के नाम से भी जानते हैं इसको। और वहीं अगर पूर्वी में जो सबसे पूरब में स्थित है, सबसे पूरब में स्थित है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। क्या इसका नाम है? किबीथू, जो कि कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बाकी डिटेल में वही चीज़ें दिया हुआ है। आप देखेंगे तो उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल दिया गया है, दक्षिणी बिंदु जो भूमि से दूर बृहत निकोबार में स्थित है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और जो या पहले इसका पिगमेलियन पॉइंट नाम था, और जो मुख्य भूमिका है जो दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी में तमिलनाडु में स्थित है। और अगर हम वहीं बात करें तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु जो कि कहाँ गुजरात राज्य में स्थित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको गौर मोता यानी गुहर मोती के नाम से जानते हैं, और पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में उसको हम लोग किबीथू के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था, ठीक है, 2004 में आया था और वह जलमग्न हो गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन है? सुदूर पूर्वी बिंदु कहाँ है? किबीथू, जो कि कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है, ठीक है, सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर कौन सा है, ठीक है, यानी ये आपको बताना है, ठीक है। भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है तो वह कौन है? वह है वारंगल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? आप देख सकते हैं सीपीओ के क्वेश्चन का लेवल, आप देख सकते हैं काफी अच्छा लेवल है, सीजीएल से ज्यादा हाई है सीपीओ के लेवल, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटक, कोडाई कनाल और तमिलनाडु सुदूर दक्षिण सिरे पर स्थित नजदीकी शहर है, ठीक है, जबकि नांदेड़ महाराष्ट्र एवं मुख्य भूमि सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर स्थित है, ठीक है, ठीक है, सबसे दूर स्थित है। वहीं नंदा घाट, सॉरी यहाँ पे नांदेड़ आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा गलती हमने यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है, नांदेड़ आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपको जो मेरी गलती बताने से हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। ये भारत का मैप है, ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, हम यहाँ पे दक्षिण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सुदूर जो दक्षिणी पॉइंट है भारत की, ठीक है, क्या बोल रहा है, सुदूर दक्षिणी सिरे से, दक्षिणी सिरे यहाँ पे आता है भारत का, तो यहाँ से जो सबसे दूर इस ऑप्शन में सबसे दूर कौन सा जगह स्थित है आपको बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कोडाई कनाल तमिलनाडु में है जो कि यहीं पे स्थित है, ठीक है, देन बंगलुरु कर्नाटक में है जो कि यहाँ पे स्थित है, और नांदेड़ महाराष्ट्र में है जो कि यहाँ पे स्थित है, और वारंगल, वारंगल भी यहाँ पे तमिलनाडु में स्थित है, वारंगल भी तो इधर ही साउथ में इधर आसपास में स्थित है। तो आप इस सुदूर पॉइंट से देखेंगे तो सबसे दूर कौन सा स्थित है, ये महाराष्ट्र वाला स्थित है, तो इस यही क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे दूर इसमें से कौन सा स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं जो है वह नांदेड़ पड़ता है, नंदा तट पर नांदेड़ पड़ता है महाराष्ट्र के, यह सिख तीर्थ स्थल भी है, यहीं गुरु गोविंद सिंह का देहांत हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का देहांत यहीं पे हो गया था, और यह सिख तीर्थ स्थल है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? सूर्योदय सबसे पहले किस भारतीय राज्य में होता है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश से और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? गुजरात में होता है। कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है सबसे बाद में सूर्योदय, और दोनों के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए इस राज्य को भारत में उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है, जबकि वैश्विक दृष्टि से जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, डूबते सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है। अगर वहीं हम लोग अगर देश में पूरे वर्ल्ड में देखें तो सबसे पहले सूर्य कहाँ? जापान में उगते हैं, और सबसे बाद में कहाँ पे? नॉर्वे में, ठीक है। और सूर्य जो है वह डूब कहाँ डूबते हैं? नॉर्वे में जाके सबसे जो है वह डूबते हैं, इसलिए डूबते हुए सूर्य का देश नॉर्वे कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश जापान को बोलते हैं, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो सूर्योदय या सूर्यास्त का जो टाइमिंग होता है वो के बीच का 2 घंटे का अंतर होता है, ये भी याद रखिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन बता दिए। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है।
12 नंबर क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों यानी सिस्मिसिक जोन में विभाजित किया गया है? भारत को टोटल 4 भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन 4 जोन में इसको विभाजित किया गया। भूकंपीय से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी, अतीत में आए भूकंप से प्लेट विवर्तनीय व्यवस्था के आधार पर भारत को 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव, याद रखिएगा फर्स्ट इसमें नहीं है, सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है, वर्गीकृत किया गया। BIS भूकंपीय खतरे के नक्शे और कोड प्रकाशित करने के लिए आधिकारिक एजेंसी है। भूकंप की तीव्रता तथा उत्पन्न ऊर्जा को मापन के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे देखिए सिस्मिक जोन यानी भूकंपीय क्षेत्र और भूकंप को किस चीज से नापा जाता है, सिस्मोग्राफी से नापा जाता है भूकंप को, ठीक है, स्केल से नापा जाता है, ठीक है, रिएक्टर पैमाने पे, ये भी याद रखिएगा। तो भारत को टोटल 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, सेकेंड थर्ड ठीक है फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है याद रखिएगा फर्स्ट नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय मानक समय डैश अंश डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप है। भारतीय मानक समय जो है वह कितने डिग्री जो है वह देशांतर के अनुरूप है, तो यह 82.5 डिग्री देशांतर के अनुरूप है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो कहाँ स्थित है, प्रयागराज के नैनी यानी मिर्जापुर से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। आपको पता है देशांतर के अनुसार भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत में देशांतर से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो वो पूर्वी देशांतर के नाम से ही आएगा, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हुआ जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरता है। यह ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये चीज थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे डिटेल में समझा देते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा पृथ्वी है और ये हो गया देशांतर रेखा, देशांतर रेखा जो है यहाँ से गुजरता है क्योंकि यहीं से जो है वह इंग्लैंड के ग्रीन, थोड़ा सा हम इधर बना दिए, आप समझ लीजिएगा ठीक है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरता है, और जो 82.5 डिग्री जो है वह यहाँ से होके गुजरता है, जो भारत के इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के बीच जो डिस्टेंस है वह 5.5 घंटा है, कितना है 5.5 घंटा है। तो भारत का जो है वह यानी अगर इंग्लैंड में अगर आप समझ लीजिए 1 बज रहा है 12 बज रहा है तो उस टाइम भारत में 5.5 बजेगा, ठीक है ये चीज ये डिफाइंड करता है, ठीक है यानी 5.5 घंटा का अंतर रहता है वहां से यहाँ तक। तो ग्रीनविच के से किसी भी स्थान के पूर्व या पश्चिम देशांतर ज्ञात होने से हम अपने मानक समय के अन्य देशों का मानक समय ज्ञात कर सकते हैं। भारत का मानक या मॉनिटर ग्रीनविच 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। 1 डिग्री जब देशांतर होता है, 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट होता है, 4 मिनट का डिफरेंस होता है, ये चीज याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो वह है 3.28 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जो एग्जैक्ट है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो इसको हम 3.28 किलोमीटर वह लाख वर्ग किलोमीटर में लिखते हैं, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 3.28 लाख किलोमीटर में, MTS का क्वेश्चन है, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक प्रायद्वीपीय देश है, प्रायद्वीपीय देश मतलब जो है वह यह एक प्रायद्वीप बनाता है, यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा रहता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ है, रूस का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान पे आता है। भारत उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तक फैला है, और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत का जो ऊपर से नीचे तक जो लंबाई है वह है कितना जो है वो कितना 3214 किलोमीटर, और यह पूर्व से पश्चिम यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पे है, 7वें स्थान पे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। भारत डैश के उत्तर में स्थित है, भारत किसके उत्तर में स्थित है, तो उत्तर में किसके स्थित है, जैसे ये है हमारा ग्लोब और ये है भूमध्य रेखा और भारत यहाँ पे स्थित है, तो भारत किसके उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। ध्यातव्य है कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है या पृथ्वी को 2 गोलार्धों में उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित करती है। ठीक है, तो भारत का जो है वह कैसे फैला हुआ है, तो भारत उत्तर में 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच तक फैला हुआ है। वहीं हम लोग देशांतर की बात करें तो देशांतर में यानी कि देखिए ये जो बता रहा है, ये अक्षांश ये बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, भारत उत्तर में यानी जो भारत उत्तर में यानी क्या, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र है वहां पे 8 डिग्री 4 इंच और नीचे जो होगा, सॉरी नीचे जो होगा वह कितना 37 डिग्री 6 इंच पे फैला हुआ है उत्तर में। ठीक है, और यहाँ पे और 68 डिग्री जो देशांतर ऐसे ऐसे वाला जो रेखा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे वाला जो रेखा होता है यानी 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वह स्थित है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। तो ऐसे ऐसे रेखा जो हुआ यह देशांतरीय रेखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है यह गुजरात से अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे डिसाइड ऐसे करता है रेखा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय मानक समय की गणना डैश के घंटा घर के से की जाती है, कहाँ के घंटा घर से की जाती है, तभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा जो भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री जो है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, जो कहाँ से यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित मिर्जापुर से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मानक समय प्रयागराज के नैनी क्षेत्र से मिर्जापुर के निकट से होकर गुजरती है, यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। भारतीय मानक समय यमुनोत्तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कहां कहां से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, टोटल 5 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसी का मतलब, भारत की अवस्थिति में सीमावर्ती देश के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं, कितने देश, टोटल 7 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो ऊपर हम लोग देख चुके हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड था। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है तथा भारत की स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर अप्रोक्स है और समुद्री तट सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन जो मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई है वह कितना है, 6100 किलोमीटर है और भारत कुल 7 देशों यथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करता है। वहीं भारत जो है कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं, भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, और इसमें से 16 राज्यों जो है भारत के स्टेट, 16 स्टेट जो है 28 में से 16 स्टेट जो है वह किसी न किसी देश के साथ अपना सीमा यानी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करते रहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे 19 नंबर, भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है, भारत चीन जो सीमा रेखा है वह कितने सेक्टर में बांटा गया, ए CHSL Tier 1 2023 का क्वेश्चन है, तो भारत और चीन का जो सीमा रेखा टोटल 3 सेक्टर में बांटा गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीन भारत का पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत अपनी 3488 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है, भारत चीन 3 सेक्टर पश्चिमी, मध्य, पूर्वी में बटी हुई है। ठीक है, पूर्वी सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, मध्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख से लगती है। ठीक है, यानी आपको पता है भारत का ऐसे सीमा साझा लगते रहता है, बीच में यहाँ पे आ जाता है नेपाल का कुछ पार्ट और फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे सिक्किम का पार्ट, देन अरुणाचल प्रदेश का पार्ट यहाँ पर आ जाता है। तो आप भारत का जो यहाँ पे जो ये स्थित है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, इसको पूर्वी सेक्टर में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ नेपाल के बाद जो हिमाचल प्रदेश
और उत्तराखंड जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसको हम लोग मध्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी मध्य सेक्टर के नाम से जानते हैं। देन यहाँ पे लद्दाख के साथ जो सीमा साझा करता है चाइना उसको हम लोग पश्चिमी सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो टोटल 3 सेक्टर में भारत और चीन की सीमा को डिवाइड किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के से सीमावर्ती है, ठीक है, यानी भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। टोटल 9 राज्य हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित तो टोटल 9 से लगती है, ठीक है। यह 9 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगता है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगता है और सबसे कम सीमा किसे? हिमाचल प्रदेश से लगता है। सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो कि सबसे अधिक राज्यों से अपना सीमा साझा करता है, जो मध्य प्रदेश से भी करता है, छत्तीसगढ़ से भी करता है, झारखंड से भी करता है और बिहार से भी स्पर्श करता है सोनभद्र जिला, जो टोटल यहाँ पे 4 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहे हैं LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डैश के बीच प्रभावी सीमा रेखा है। तो भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा रेखा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे डिस्कशन अलग दिया हुआ है। भारत तथा उसके पड़ोसी देश के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच, मैकमोहन रेखा भी भारत और चीन के बीच स्थित है, ड्यूरेंट रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, शून्य रेखा यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच स्थित है। शून्य रेखा कहाँ स्थित है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच स्थित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? वह कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश है वह है मालदीव। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो वर्तमान में भारत और मालदीव की संबंधित हुआ है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, तो आप इस पे देख सकते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकता है क्योंकि ये करंट भी इससे रिलेटेड है। तो आप देखेंगे तो मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, ठीक है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसे आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ मालदीव कहा जाता है और मालदीव की राजधानी माले में स्थित है, ठीक है, और यह 298 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? ठीक है, नेपाल से किसका सीमा नहीं लगता है ये बताना है, ठीक है, तो नेपाल से उत्तराखंड का लगता है, जो काला पानी वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो विवाद हुआ था, तो उत्तराखंड वाला लगता है, उत्तर प्रदेश का भी लगता है और पश्चिम बंगाल का भी लगता है, जो दार्जिलिंग वाला पार्ट है जो वहां पे शेयर करता है नेपाल से बॉर्डर, लेकिन असम जो है यह नेपाल से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्य असम की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती है। नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य क्रमशः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है? 106 किलोमीटर, जो वर्तमान अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर, जो 1886 ईस्वी में सर डुरंट द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंट रेखा स्थापित की गई थी। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा कौन सा इसमें राज्य है नहीं करता है? तो मणिपुर जो है यह नहीं करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर, बाकी मेघालय, असम और त्रिपुरा करता है। भारतीय राज्य मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती है। सन 1971 से पहले बांग्लादेश की पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बांग्लादेश की भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। जो मणिपुर है, मणिपुर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है किससे? तो यह म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन,
26 नंबर क्वेश्चन बोला, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन ये देख लिए थे, देखिए सीजीएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मैकेनिकल में क्वेश्चन आया हुआ, मतलब अप्रोक्स सब भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया, बहुत ये फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? मिजोरम, त्रिपुरा जिसको हम लोग शून्य सीमा रेखा बोलते हैं, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल जो सीमा साझा करता है, और जो टोटल है 4096 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है, जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच। वहीं चीन के साथ हम लोग बात करें तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, जो 3488 किलोमीटर साझा करते हैं, जो सेकेंड स्थान पे है, जिसको हम लोग मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर है पाकिस्तान पे, यानी हम लोग सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ, सेकेंड नंबर पे चाइना के साथ, और थर्ड नंबर पे बांग्लादेश के साथ सीमा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब और राजस्थान सीमा साझा करते हैं, जो 3323 किलोमीटर तीसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा अब राजस्थान का लगता है। ठीक है, किसका? राजस्थान का लगता है। अगर हम लोग चौथे नंबर पे देखें तो नेपाल आता है, जिससे किससे हम लोग 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य आता है। वहीं हम लोग बात करें म्यांमार की, तो हम लोग म्यांमार जो है वह पांचवें नंबर पे है, जो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आता है। ठीक है, वही हम लोग छठा नंबर की बात करें तो भूटान आता है, जिससे हम लोग 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश आता है। और सबसे लास्ट यानी सातवें नंबर पे जो आता है वह आता है अफगानिस्तान, जो यहाँ पे लद्दाख आता है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो 106 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा डूरंड जो है वह रेखा है। ठीक है, जो 106 किलोमीटर की है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है, किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा? तो पाकिस्तान को छोड़कर बाकी यहाँ पे बांग्लादेश से भी लगती है, ठीक है, भूटान से भी लगती है और नेपाल से भी लगती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है वह किससे किससे? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से सीमा साझा करता है। सिक्किम नेपाल भूटान और चाइना से, चाइना का जो तिब्बत वाला पार्ट है उससे सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से, और अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार, ये भी तीन देश से सीमा साझा करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत की विधिक सीमा को निम्न में से किस देश से अलग करती है? ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत की विधिक सीमा को निम्न में से किससे अलग करती है? ठीक है, मैकमोहन रेखा जो है वह भारत और चीन को अलग करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, इसका डिटेल तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। विधिक सीमा मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच स्थित है, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के मध्य, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के मध्य, पाक जल डमरू मध्य भारत श्रीलंका के मध्य, और सर क्रिक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, जो गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र है उससे लगता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? ठीक है, तो यह त्रिपुरा है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा पूर्वोत्तर में स्थित भारतीय राज्य है, जिसकी सीमाएं मिजोरम, असम और बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, जिसकी सीमाएं त्रिपुरा से किसे? मिजोरम, असम और बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम या बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसकी कुल सीमा 84% यानी 856 किलोमीटर क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में है। असम के साथ इसकी सीमा की लंबाई 53 किलोमीटर तथा मिजोरम के साथ 109 किलोमीटर है, और बाकी 856 किलोमीटर या बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ठीक है, म्यांमार से नहीं लगती है, तो यहाँ पे मणिपुर की भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है और मिजोरम की भी लगती है, लेकिन सिक्किम की नहीं लगती। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से लगती है। सिक्किम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार के साथ भारत के चार पूर्वोत्तर राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीमा बनाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन नहीं करता है? तो असम नहीं करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाकी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार करता है। असम
पूर्वोत्तर का एक राज्य है जिसकी सीमा नेपाल में नहीं लगती है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्य से लगती है। भारत और भूटान का बीच की जो सीमा है वह इसमें कितने भारतीय राज्य से लगती है? तो ये 4 भारतीय राज्य से लगता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन कौन से भारतीय राज्य हैं? तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और असम है। ठीक है, भूटान एक हिमालयी देश है जिसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करती है? ठीक है, यहाँ पे देश पूछा जा रहा है तो नेपाल के साथ, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 का डी राइट आंसर हो जाएगा, जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बिहार भारत की पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? म्यांमार से नहीं लगती है किस भारतीय राज्य की? तो अभी हम लोग देखें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये टोटल 4 राज्य का जो सीमा है वह लगता है म्यांमार से, बाकी इसके अलावा जो भी होगा यहाँ पे नहीं लगता है। यहाँ पे मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, लेकिन असम का नहीं लगता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार की सीमा लगने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। पूर्व में भारतीय सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व में भारतीय सीमा किन किन देशों से लगती है? तो यहाँ पे पूर्व की बात किया जा रहा है, तो पूर्व में जो भारतीय सीमा है वह म्यांमार और बांग्लादेश से लगता है। अगर हम लोग भारत का अगर मैप देखेंगे, अगर आप ध्यान से, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये उत्तर वाला पार्ट है, जहाँ पे उत्तर वाला पार्ट में यहाँ पे लगता है कि इससे चीन और पाकिस्तान से लगता है, और हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे नेपाल के रास्ते, और हम लोग यहाँ पे पूर्वोत्तर के करते हुए, और यहाँ पे बांग्लादेश को यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हुए, और यहाँ पे हम लोग लगते हैं। तो ये जो पार्ट हो गया भारत का, ये पूरा पार्ट भारत के पूर्व में आता है, और ये थोड़ा सा पूर्व से उत्तर में स्थित है ये वाला, तो इसे पूर्वोत्तर बोलते हैं। तो पूर्व में यहाँ पे बांग्लादेश आता है और यहाँ पे भूटान आता है, तो सॉरी म्यांमार आता है। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश और म्यांमार आता है इधर। ठीक है, पूर्व में ये स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भूटान किसी ऑप्शन में नहीं है। भारत पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से स्पर्श करती है। ज्ञात है कि भारत की सीमा 7 पड़ोसी देशों से स्पर्श करती है, जो निम्न प्रकार है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। 37 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश से लगता है ये आपको बताना है, तो यह पाकिस्तान से लगता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से गुजरात की सीमा पाकिस्तान देश के साथ लगती है। भारत की विशाल सीमा की सुरक्षा करने वाली पहली जिम्मेदारी BSF यानी सीमा सुरक्षा बल की है। ठीक है, यानी भारत की विशाल सीमा जो है सबसे पहले BSF के अंदर में आता है। पाकिस्तान के साथ सीमाएं साझा करने वाली भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात और पंजाब है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा 1170 किलोमीटर का, और सबसे अधिक सीमा राजस्थान पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? ठीक है, जो मेघालय की सीमा है यह भूटान के साथ नहीं लगता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश का लगता है। भूटान भारत की पड़ोसी देश है, इसकी सीमा भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम तथा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, जबकि मेघालय की सीमा भूटान से नहीं बल्कि बांग्लादेश से लगती है। तो टोटल हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 का 38 क्वेश्चन था, इसको काफी डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे भारत का प्राकृतिक विभाजन, जिसमें हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, झील के बारे में पढ़ेंगे, पठार के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इस ये वीडियो कल आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। बाकी अगर आप टेलीग्राम से PDF लेना चाहते हैं तो एग्जाम आई स्क्रीम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप पर PDF लेना चाहते हैं तो 8287277311 पर मैसेज कीजिए। यहाँ पर छोई मैम का इंस्टा ID है, इससे भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो चैप्टर नंबर 2 हम लोग देखने वाले हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।